इंडिया कनाडा विवाद में भारत को मिला श्रीलंका का साथ। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने ट्रूडो को जमकर लताड़ा। ट्रूडो बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा देते हैं। इंडिया कनाडा विवाद में भारत को बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका का साथ मिला है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने जमकर लताड़ लगाई है। मंत्री अली साबरी ने न केवल इतना कहा है कि कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है कि कनाडाई पीएम बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा देते हैं। अली साबरी ने ये बात श्रीलंका के लिए भी कही है। सुनिए इंडिया कनाडा टेंशन के बीच श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडाई पीएम ट्रूडो को क्या क्या कहा है। Sir, my obvious question is, there are diplomatic tensions between Canada and India that is ongoing because of Trudeau's allegation, which India has obviously rejected. What will you say on that and on India's response, since we know that Sri Lanka has too suffered from various forms of terrorism in the last decade? Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. खालिस्तानियों को समर्थन देने के आरोपों में कनाडा की जगहसाई हो रही है। इंडिया कनाडा के बीच खालिस्तान को लेकर चल रहा ये विवाद अब वैश्विक होता जा रहा है, जिसमें दुनिया के कई देश इंडिया के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका है। इससे दो दिन पहले बांग्लादेश ने इंडिया का समर्थन किया था। इंडिया कनाडा की तलखी पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने कहा था कि भारत पर हमें गर्व है। बहरहाल खालिस्तानियों को लेकर इंडिया कनाडा का ये टेंशन वैश्विक स्तर पर भविष्य में क्या रुख अख्तियार करने वाला है, कौन से देश इंडिया का और कौन से देश कनाडा का साथ देंगे, ये देखना अहम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।